Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video How to build your classroom library. Very interesting topic. देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या figure out होता है. Introduction, classroom library अगर आपने बना लिया, ठीक है, तो reading habits students के अंदर automatically develop हो जाएंगी. Alright, एक collection of books बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है भाई. अगर आप भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, तो एक कलेक्शन ऑफ बुक्स बनाने में कि भाई ठीक है, इस बुक में ये वाला चैप्टर अच्छा होता है, अच्छा उस सैम्पल पेपर में इस टाइप की केस स्टडीज अच्छी होती हैं, वो सब कुछ फिगर आउट करने में टाइम लगता है. ऐसी सेम केस में एक क्लासरूम लाइब्रेरी बनाने में भी टाइम लगेगा. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, नाइदर इज क्लासरूम लाइब्रेरी. A classroom library should be one of the most utilized spaces in your classroom. मतलब ऐसा नहीं कि टेंशन हो रही है बच्चे को, कुछ भी प्रॉब्लम है, अरे चलो भाई कुछ रीड करके आते हैं. ज़्यादातर बच्चा यहीं पर मिलना चाहिए. इस टाइप का हमारा ये क्लासरूम लाइब्रेरी का स्पेस होगा. और हर स्कूल के पास एक लाइब्रेरी होती है, लेकिन जब वो पीरियड आता है पर्टिकुलरली कि भाई ठीक है, वन वीक में वेनसडे में जो फोर्थ पीरियड है वो लाइब्रेरी का है, तब मजबूरी होती है, तब बच्चे वहाँ पर जाते हैं, अपने आप से नहीं जाते. तो इसलिए क्लासरूम लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन होता है वहाँ पर स्टूडेंट्स का. अगर कुछ बच्चे को रीड करना है और बहुत ही फोकस के साथ पढ़ना है, यहाँ पे भी क्लासमेट्स हैं, लेफ्ट साइड भी हैं, राइट साइड भी, कोई कुछ बात कर रहा है. अगर एक पर्टिकुलर क्लासरूम में एक छोटा सा स्पेस है क्लासरूम लाइब्रेरी का, बच्चा वहाँ पर जाकर सुकून में पढ़ सकता है, ठीक है. एक लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन इन्वायरमेंट हो जाता है. क्लासरूम लाइब्रेरी एक वैल्यू रीडिंग भी प्रोवाइड करेगा कि भाई हम रीडिंग को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं. क्लासरूम लाइब्रेरी डे टू डे ऑपरेशन से भी थोड़ा सा हटके है. मतलब एक तो हो गया भाई बच्चा डेस्क पर बैठ गया, वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आता है टीचर के थ्रू, फिर उस बच्चे को वो चीज़ करनी पड़ती है, वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई. बच्चे का मन है, जाएगा, जो भी उसको जॉनर वगैरह पसंद हो उससे रिलेटेड कुछ भी रीड करेगा. अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को मीनिंगफुल और पर्सनल इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ने की. भाई ठीक है, मुझे साईफाई पढ़ना है, मुझे सेल्फ हेल्प पढ़ना है, मुझे फिक्शन पढ़ना है, नॉन फिक्शन पढ़ना है, मुझे क्राइम से रिलेटेड कुछ आज पढ़ना है, तो ये सब कुछ स्टूडेंट के पास है, अथॉरिटी स्टूडेंट के पास है. भाई सब्जेक्ट जो है वो तो स्टूडेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये इन वाली बुक्स की अथॉरिटी है. इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू द वाइड रेंज ऑफ जॉनर्स, ऑथर्स एंड टॉपिक्स. उनकी रीडिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, वो बुक्स को घर पे भी इशू करके लेके जाता है, वहाँ पर भी पढ़ते हैं. सो ओवरऑल एक उनका डेवलपमेंट भी हो जाता है. सोशल इंट्रैक्शन कैसे, अभी स्टूडेंट्स के कॉन्वर्जेशन क्या है कि भाई ठीक है ये सब्जेक्ट में तेरे कितने मार्क्स है, अरे वहाँ टीवी शो में ये चल रहा है, अच्छा सोशल मीडिया पे ये चीज़ आजकल चल रही है, अच्छा उसका ब्लू टिक आ गया, ये सब कॉन्वर्जेशन है. लेकिन जब वो बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उनके कॉन्वर्जेशन में बुक्स आएंगी. अच्छा मैंने ना उस बुक में पढ़ा था कि अगर हम इस चीज़ को फिगर आउट करना चाहें तो इस टाइप से कर सकते हैं, राइट. जो फ्यूचर ऑफ टेक है वो इस टाइप से प्लान हो रहा है, तो हम इसमें कैसे ग्रो करें. थोड़ी उनकी कॉन्वर्जेशन हुआ है थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी, क्वालिटेटिव कॉन्वर्जेशन हो जाएंगी, सोशल इंट्रैक्शन एक अच्छे टॉपिक्स पर इंक्रीज हो जाएगा. ओके, प्लानिंग एंड बिल्डिंग योर लाइब्रेरी. भाई क्या आपको ध्यान रखना है, फिक्शन और नॉन फिक्शन, पहली बात तो ये दोनों होना चाहिए. फिक्शन मतलब कहानियाँ, नॉन फिक्शन मतलब जिंदगी की बातें, वेरी सिंपल, ठीक है. तो ये दोनों अगर आपके पास कैटेगरीज हैं तो बिल्कुल माइंडसेट डिफरेंट होता है. फिक्शन से हमें इमोशंस पता चलते हैं कि भाई ठीक है, कई बार ना जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस स्टूडेंट्स होते हैं वो इमोशंस को साइड में रख देते हैं. फिक्शन पढ़ के इमोशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स को पता चलता है. नॉन फिक्शन पढ़ के थोड़ा सा लाइफ के बारे में क्लैरिटी होती है. ओके, लेवल ऑफ टेक्स्ट. अगर फिफ्थ क्लास का आप क्लासरूम लाइब्रेरी बना रहे हो तो सेकंड से लेके टेंथ क्लास तक का कंटेंट आपके पास होना चाहिए. सब्जेक्ट नहीं, अदर देन सब्जेक्ट. कोई सेल्फ हेल्प बुक है जो टेंथ क्लास तक का स्टूडेंट रीड कर सकता है तो वो आप फिफ्थ क्लास में रख सकते हो, ठीक है. थोड़ा सा एडवांस लेवल भी रख सकते हैं. जॉनर आपको रखना है भाई फैंटेसी, पोएट्री, मिस्ट्री, रियलिस्टिक फिक्शन, इन्फॉर्मेशन, बायोग्राफी और उन जॉनर्स के डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल पोएट्री का बुक्स, पोएट्री की कॉमिक्स, पोएट्री के ब्रोशर, पोएट्री की इंसाइक्लोपीडिया, पोएट्री की मैगजीन, पोएट्री के न्यूज़पेपर. मतलब मैं एग्जाम्पल दिया है आपको, तो जितने भी जॉनर्स हैं आपको वो रखने हैं और जितने भी जॉनर्स के टेक्स्ट हैं वो सब भी आपको कोशिश करनी है वैरायटी ऑफ यूज़ देम. रिसोर्सेज ऑफ बुक्स, अब बुक्स को कहाँ कहाँ से कैटर कर सकते हैं. नंबर वन, सेकेंड हैंड बुक स्टोर्स होते हैं, बुक फेयर्स होते हैं, उसमें इस टाइप से ना बंडल लगा होता है बुक्स का, जैसे वॉल्केनो होता है ना उस टाइप से, इतना सारा. और 100 रुपीज़, 99 रुपीज़ की एक बुक होती है, आप चाहे कोई भी बुक निकाल सकते हो इस पूरे बंडल में से. हज़ारों बुक्स हैं तो आप यहाँ पर जाकर बेस्ट बुक्स को सेलेक्ट कर सकते हो. एक दिन लगेगा आपका
और आप आराम से यहाँ पर 100-150 बुक्स आराम से निकाल के लिया होगे, ठीक है। तो एक तो यह है, सेकंड हैंड बुक्स वगैरह आप फिगर आउट कर सकते हो। सेकंड है, पेरेंट्स जो है वो बुक्स को डोनेट कर सकते हैं। भाई पेरेंट्स ने भी तो कुछ बुक्स रीड की होंगी, भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की होंगी, सेल्फ हेल्प बुक्स रीड की होंगी, किसी को फिक्शन का नॉलेज होगा, तो वो भी बुक्स को डोनेट कर सकते हैं। तो आप पेरेंट्स को नोट लिख के भेज सकते हो डायरी में कि भाई ठीक है, आप थोड़ा सा बुक्स को अगर डोनेट करना चाहें, आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स, आप बिल्कुल भी उनको रीड नहीं करते, बच्चों के काम आएंगी, राइट। कन्विंस स्टूडेंट्स टू डोनेट देयर ओन पर्सनल बुक्स। अगर उन्होंने एक बुक को रीड कर लिया तो 90% चांसेस है कि वो दोबारा बुक नहीं खुलेगी, ठीक है। तो आप कह दो भाई डोनेट कर सकते हो, राइट, और कोई बच्चा पढ़ लेगा। गेट इन टच विद स्कूल एलुमनाई, आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई आप हमें थोड़ा सा क्लासरूम लाइब्रेरी के लिए फंड कर दीजिए, जिससे हम अच्छे अच्छे बुक्स स्टूडेंट्स को बता सकें। टीचर्स कैन अरेंज एन एक्सचेंज सिस्टम कि भाई ठीक है, फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स ने ये 40 बुक्स रीड कर ली है, तो उसको सिक्स क्लास के स्टूडेंट से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजिंग योर लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। डिस्प्ले शुड इन्वाइट स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज, रीड, टॉक एंड रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई ठीक है, ये एक शीट है, आपको पहले यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा कि आप ये वाली पर्टिकुलर बुक जो है वो पढ़ रहे हो, ठीक है। जो शॉर्ट मैंने लिखा है इसको आप जरा फुल फॉर्म में कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है ये। तो ये बुक आपने हाईलाइट कर दिया कि भाई ठीक है, मैंने ये 5 अप्रैल को इशू करी है और मैं विद इन 3 डेज इसको वापस कर दूंगा, ठीक है। इस टाइप से क्लियर प्रोसीजर्स आपको लिखने पड़ेंगे कि भाई स्टूडेंट्स को ये प्रोसीजर फॉलो करना है अगर उनको कोई बुक भी रीड करनी है या कोई बुक इशू करनी है, ओके। और टेक्स्ट जो भी है उसको अरेंज करना है अकॉर्डिंगली, भाई ठीक है ये जॉनर है, ये सेकंड जॉनर, ये थर्ड जॉनर, ये फोर्थ जॉनर, इन जॉनर्स में ये टेक्स्ट है, ये मैगजीन है, ये बुक्स हैं, ये कॉमिक्स हैं, ये न्यूज़पेपर हैं, राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, भाई अल्फाबेट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो ऑथर का लास्ट नेम या फर्स्ट नेम आप अल्फाबेटिकली कर सकते हो, आप बुक का लास्ट नेम फर्स्ट नेम यूज़ कर सकते हो, पॉइंट क्या है, अल्फाबेटिकली सारी बुक्स अरेंज्ड होनी चाहिए। वैसे तो बुक के नाम से करना थोड़ा सा इजी रहता है, राइट। ऑर्गेनाइज बाय जॉनर, जॉनर के अकॉर्डिंग, पहले तो जॉनर आ गया, फिर उसमें डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट आ गए, उसमें भी फिर अल्फाबेटिकली आ गया, और उनमें भी फिर हमने कलर कोड कर दिया कि भाई ठीक है ये बेसिक है, इनका ब्लू कलर है, फिर मॉडरेट है, इनका येलो कलर है, और ये एडवांस है, थोड़ा सा इनका ग्रीन कलर है। तो इस हिसाब से आप अपनी लाइब्रेरी को प्लान कर सकते हो। टीचर्स का क्या रोल होगा, इंक्लूडेड इन द लर्निंग। हमने देखा कि भाई ठीक है लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं, तो हमने उनको कॉन्वर्जेशंस में लाना स्टार्ट किया। अच्छा वो बुक आपने पढ़ी, उसमें 73rd पेज पे इस टाइप का कुछ है, तो उसको रीड करना, एक बार डिस्कस करेंगे, इंक्लूड इन द लर्निंग। नंबर 2, चेक ऑन नंबर्स, हर बच्चे के लिए 30 बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया सेफ एंड साउंड, क्योंकि 30 इंडिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास 30 किड्स हैं और 20 बुक्स हम रखना चाहें, तो 600 बुक्स हमारे क्लासरूम लाइब्रेरी में होनी चाहिए। एक साल का एवरेज है कि बच्चा 20 बुक्स अदर देन सब्जेक्ट रीड कर सकता है इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो इतना आपको नंबर्स का चेक भी रखना है। नंबर 1, अपनी लर्निंग में इंक्लूड करना है बुक्स को। नंबर 2, नंबर्स का ध्यान रखना है। एंड नंबर 3, लिसन टू एंड नो योर स्टूडेंट्स। भाई एक आपका टाइम था कि भाई हैरी पॉटर चलता था, ये चलता था, आजकल के बच्चे थोड़ा हैरी पॉटर, भाई जब कोई नई सीरीज नहीं आ रही है तो किसी ने ओल्ड बंदे ने बताया कि भाई ये इसको जाके देखो, बुक को रीड करो, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन कोई जो न्यू स्टूडेंट है आज जो 9th क्लास में, उसको एकदम से हैरी पॉटर में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा उनके इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से फिर आप अपनी लाइब्रेरी को प्लान कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स को दिमाग में आप रख सकते हैं लाइब्रेरी बनाते टाइम कि भाई एक दिन में लाइब्रेरी नहीं बनेगी, ठीक है। आपको रीडिंग स्पेशलिस्ट वगैरह या फिर फैसिलिटेटर की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है लाइब्रेरी बनाने के लिए। फ्लेक्सिबल रहना है कि भाई ठीक है कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, प्लान आउट नहीं होंगी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, क्योंकि हर स्कूल में आपको क्लासरूम लाइब्रेरी नहीं मिलेगा। तो अगर आप बना रहे हैं तो पहले तो थोड़ा सा कुडोस टू योरसेल्फ, और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कलर कोड कर सकते हैं आप बुक्स को, बुक्स को आप लेबल कर सकते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कॉमिक्स, रीडिंग लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10, राइट। साइन आउट शीट बना सकते हैं कि भाई ठीक है कोई स्टूडेंट अगर बुक को लेके जा रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइन होगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपको देनी होंगी कि अगर बुक वापस नहीं हुई तो यहाँ पर ऐसे पनिशमेंट आपको मिलेगी, राइट। स्टूडेंट्स को बुक रिटर्न करने का एक फॉर्मेट बताना पड़ेगा, ठीक है। और न्यू बुक्स को आपको मार्क करना है कि भाई ठीक है ये नई बुक्स आई हैं लाइब्रेरी में, तो इनको जरा रीड करना स्टार्ट कर दो। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी क्लासरूम लाइब्रेरी से रिलेटेड। अपने स्कूल की जो लाइब्रेरी है उससे अलग छोटे से कॉर्नर में हमें डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को गैदर करना और वहाँ पर स्टूडेंट्स को एक एनवायरनमेंट देना है जो अच्छे से रीड कर सकें, टेंशन फ्री और डिस्ट्रैक्शन फ्री। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।